सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाबी खबरों के ताज़ा बुलेटिन दे विच मैं हरप्रीत सिंह ठाड़ू तुहाडा स्वागत करदा हां। पंजाब दीआं ताज़ा तरीन खबरां तुहाडे रूबरू करांगे, सो वीडियो दे विच अंत तक जरूर बने रहना। जिन्हां वीरां भैणां ने हले तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां चैनल नूं भी जरूर सबसक्राइब कर लो तां कि खबरां दा ताज़ा बुलेटिन तुहानूं समय सिर मिलदा रहे। देश भर के स्कूलों से दो बार होणगियां बोर्ड प्रीख्यावां, स्कूली सिक्ख्या च वड्डे बदलाव दा ऐलान। देश भर के स्कूलों से सीनियर जमातों के विद्यार्थियों लई वड्डी खबर है, केंद्र सरकार ने स्कूली सिक्ख्या नूं लै के वड्डा बदलाव करन दा ऐलान कीता है। राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति 2020 दीआं व्यवस्थावां नूं लागू करदे होए केंद्रीय सिक्ख्या मंत्रालय ने स्कूली सिक्ख्या प्रीख्यावां नूं लै के अहम ऐलान कीते हन। मंत्रालय वालों बुधवार 23 अगस्त नूं जारी किए गए अपडेट अनुसार बोर्ड प्रीख्यावां हुण साल च दो वारी लईआं जाणगियां। इस दे नाल ही विद्यार्थियों नूं इह विकल्प भी दिता जाएगा कि वह दोवें समैस्टरां दे वधिया अंकां नूं फाइनल समझ सकते हैं। इस तों इलावा मंत्रालय ने बोर्डां नूं कहा कि वह ऑन डिमांड प्रीख्यावां करवाउण दी समर्थ विकसित करन। केंद्रीय बोर्ड होवे जां राज बोर्ड, सारियां प्रीख्यावां साल विच इक वार ही हुंदियां हन। हालांकि स्कूलों वालों इंटरनैट असैसमेंट ते अर्ध सलाना प्रीख्यावां करवाईआं जांदियां हन। अगली खबर, लुधियाना च सरकारी स्कूल का डिग्गिया लैंटर, मलबे हेठ दब गए बच्चे ते अध्यापक। लुधियाना जिले तो वड्डी खबर सामने आई है, इत्थे सरकारी स्कूल बद्दोवाल का लैंटर डिग पिया। इस दौरान एक अध्यापका की मौत हो गई। मृतक अध्यापका की पहचान रविंदर कौर वजो हुई है। इस हादसे के विच बच्चे वाल वाल बच गए। इस दे नाल ही दो अध्यापकों सुरक्षित बाहर कढ लिया गया है। दसिया जा रहा है कि तीन अध्यापक स्टाफ रूम च बैठ के रोटी खा रहे सन कि अचानक लैंटर हेठां डिग गया। इस दौरान अध्यापक लैंटर हेठां आ गए, इन्हां चों दो अध्यापकों नूं कढ लिया, इलाज लई हस्पताल भी लिजाया गया। स्कूल की छत डिगण नाल चीक चिहाड़ा मच गया। हादसे की सूचना मिलन ते पुलिस मौके ते पहुंची है। पक्के किते अध्यापकों नूं पंजाब सरकार ने दित्ती एक होर वड्डी राहत। सब तो वड्डी सिर दर्द की कर दित्ती है दूर। पंजाब सरकार ने सिक्ख्या विभाग विच पक्के किते 11,096 अध्यापकों नूं लै के वड्डा कदम चुकिया। अध्यापकों दीआं सेवावां रैगूलर करन ते जिथे विरोधी धिरां सरकार नूं घेरन दी कोशिश कर रही हैं, उत्थे ही हुण सरकार ने इन्हां 11,096 अध्यापकों ते कर्मचारियों नूं वड्डी राहत दित्ती है। पक्के किते मुलाजमान दा हुण ना तां मैडिकल चैकअप होवेगा अते ना ही पुलिस वेरीफिकेशन होवेगी। सरकार ने शर्तां हटा दित्तियां हन। 7,654 अते 3,442 मुलाजम यूनियनां लंबे समय तो सरकार तो यह मांग कर रही हैं कि वह पहला ही विभाग में काम कर चुके हैं। उन्हां दी मैडिकल अते पुलिस वेरीफिकेशन भी हो चुकी है, जिहे च वह मुड़ इस प्रक्रिया चों क्यों गुजर रहा है। अगली खबर, सनी देओल ने चोणां नूं लड़न नूं लै के दित्ती अपनी प्रतिक्रिया। 2019 दीआं लोक सभा चोणां विच तत्कालीन कांग्रेस आगू सुनील जाखड़ नूं हराउण लई भाजपा ने एक वड्डे चेहरे नूं मैदान दे विच उतारन दा फैसला कीता सी। सनी देओल नूं इस काम लई चुणिआ गिआ सी। सनी देओल चोण लड़न लई राजी हो गए, लोकां ने उन्हां नूं दिलों स्वीकार कर लिया ते पंजाब दा वड्डा चेहरा सुनील जाखड़ चोण च हार गए, जिस कारण सनी देओल लोक सभा च पहुँचे। जल्द ही सनी देओल नूं पता लग्या कि राजनीति मेरी समझ तो बाहर है। हौली हौली उन्होंने हार स्वीकार कर ली अते हुण उन्हां ने चोण ना लड़न दा ऐलान कर दिता है अते एक कलाकार वांग देश की सेवा करेगा। इन्हां हालातों च हुण भाजपा लई इह शर्म वाली गल है कि वह अपने फैसले ते सिर्फ ज़िला गुरदासपुर अते पठानकोट के लोगों नूं ही बुलावेगी अते दूजे पासे हुण उन्हां कोल सनी देओल की जगह किस नूं मैदान च उतारन दा मौका है। पंजाब दे स्कूलों च 23 तों 26 अगस्त तक छुट्टियां दा सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस वल्लों ऐलान। पंजाब दे सारे स्कूलों में 23 अगस्त तों लैके 26 अगस्त तक छुट्टियां दा ऐलान कीता है। दरअसल पंजाब दे वख-वख जिलों ते हिमाचल प्रदेश तों होर ही लगातार बारिश नूं देखदिआं पंजाब सरकार वल्लों ऐलान कीता गया। पंजाब विच मौसम विभाग वल्लों ओरेंज अलर्ट जारी कीता गया है। पंजाब दे 4 जिले रोपड़, पटियाला, नवांशहर अते हुशियारपुर विच मींह लई चेतावनी जारी कीती गई है। उत्थे मौसम विभाग वल्लों हिमाचल दे कई जिलों विच रैड अलर्ट जारी किया गया है। सिक्ख्या मंत्री ने ट्वीट करके ऐलान किया है, स्कूलों में 3-3 दिन छुट्टियों का ऐलान किया गया। पंजाब के कई जिलों में रात तो लगातार मीह पै रहा है, जिस कारण हड़ां की स्थिति मुड़ पैदा हो सकती है। मौसम विभाग वालों जारी अलर्ट के चलद एहतियात के तौर पर सिक्ख्या विभाग वालों तुरंत प्रभाव नाल 3 दिन लई छुट्टियों का ऐलान किया गया। 27 अगस्त को ऐतवार, जिस दे हुण बाद दोपहर 28 अगस्त तो बच्चे स्कूल जाएंगे। कैलीफोर्निया च औरत दे कतल दे मामले च पंजाबी नौजवान गिरफ़्तार। 34 साला औरत नूं शनिवार रोज़ विले विच वैस्टफील्ड गलेरिया दे एक पार्किंग गैरेज च एक पंजाबी नौजवान वल्लों गोली मार के जिहड़ा मार दित्ती गई। पुलिस दे अनुसार उह उस नूं नौजवान नूं डेट कर रही सी।
रोजीवैल दे पुलिस ने दसा कि औरत अते शक्की हमलावर शनिवार सवेरे इकट्ठे मॉल पहुँचे। उन्होंने दसा कि बंदूकधारी 29 साला सिमरनजीत सिंह ने पार्किंग गैरेज की तीजी मंजिल से औरत को गोली मार दी और मौके तो फरार हो गया। उसने बंदूक गैरेज में ही छड़ दी। लैफ्टिनेंट क्रिस स्यांपा ने कहा कि रोजवैल पुलिस ने चश्मदीद गवाहों तो जानकारी ले ली है तो सीसीटीवी वीडियोज़ की जाँच की जा रही है। मनरेगा मुलाजमान पक्के करन दे मुद्दे ते पंचायत मंत्री ने बुलाई पैनल मीटिंग। अपनी सेवावां रैगूलर करवाउण लई संघर्ष कर रहे नरेगा मुलाजमान वालों अपनी आगामी 24 अगस्त को विकास भवन मोहाली का घिराओ मुलतवी कर दिता गया है। सेवावां नूं रैगूलर करन लई संघर्ष किया जा रहा है। पिछले साल धूरी विखे की गई रैली दौरान उस समय के पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल वालों पैनल मीटिंग दौरान मुलाजमान दीयां मंगां नाल सहमति प्रगटाउंदे सेवावां रैगूलर करन दा फैसला लिया सी। विभाग के उच्च अधिकारियों ने 2 महीने के अंदर अंदर केस सरकार को भेजने के हुक्म जारी किए सन, परंतु वार वार अधिकारियों को मिलने पर कोई भी अगलेरी कार्रवाई नहीं हुई है। अगली खबर, किसानों ने फिलहाल टालिया चंडीगढ़ कूच का फैसला। सरकार वालों मुआवजा जारी, खराब हुई फसलों के मुआवजे समेत होर मंगों को लेकर 85 के करीब किसान आगुओं को पुलिस ने हिरासत के ले लिया। फिलहाल किसान आगुओं ने चंडीगढ़ वल जाने का फैसला टाल दिता है। किसान आगुओं का कहना है कि वह मीटिंग तो बाद कोई फैसला लेंगे। अमृतसर जलंधर के तारन तारण तो इलावा वख-वख जिलों के टोल प्लाजे से किसान धरने पर बैठे हैं। दूजे पास मोगा संगरूर में लौंगोवाल थाने के बाहर मौके पक्के मोर्चे लगाए गए हैं। दूजे पास सूबा सरकार ने हड़ प्रभावित जिले में फसलों के हुए नुकसान के मुआवजे लिए 186,12,63,020 रुपये की राशि जारी की है। माल मुड़ वसेबा और आफत प्रबंधन मंत्री ब्रह्म शंकर जिंपा ने दसा कि यह राशि कुदरती आफत राहत फंड 16 जिले के डिप्टी कमिश्नरों को दी गई है। अगली खबर, किसान सबसिडी वाली मशीनरी किराए पर देने लिए होंगे पाबंद। डीसी झोने के बासमती की सुचजी सामभ संभाल संबंधी दिशा निर्देशों दिद्या डिप्टी कमिश्नर विनीत कुमार ने दसा कि पिछले 5 सालों दौरान सहकारी सभावां पंचायतों के निजी ग्रो किसान ग्रुपां नूं मशीनरी 80% सबसिडी से मुहैया की गई है, जिसकी वरतों करके किसान पराली नूं खेत चों बाहर कढ सकते हैं जां पराली नूं खेत विच वाह के कणक की बिजाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस साल पराली नूं अग नहीं लाई जाएगी, सगों इसकी खेत विच ही संभाल करके जमीन की उपजाऊ शक्ति वधेगी अते प्रदूषण नहीं होगा। अगली खबर, अमृतसर तो अमृतसर के 41 किलो हैरोइन समेत 3 तस्कर गिरफ़्तार। हैरोइन की कौमांतरी बाजार कीमत 200 करोड़ तो वध। अमृतसर के एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार उत्ते 41 किलो हैरोइन समेत 3 तस्करों गिरफ़्तार करने में सफलता प्राप्त की है। दसिया जा रहा है कि रावी दरिया राही यह हैरोइन की खेप भारत पहुँचाई गई सी। सरहद पारों अक्सर ड्रोना की मदद नाल भारत में पाकिस्तान के पासों हैरोइन के मारू नशे की तस्करी होंदी रहिंदी है, पर हुण इस तस्करी लई BSF की मुस्तैदी करके तस्कर नवे राह लभ रहे हैं। अगली खबर, डीजल चोरी करने वाले ड्राइवर ते पैसे लैके टिकटां ना देण दा वाला कंडक्टर फड़िया गया। पंजाब दे ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने दस्सिया कि विभाग में भ्रष्ट गतिविधियां नूं ठल पाउण दे मद्देनज़र गठित किए गए मिनिस्टर्स फ्लाइंग स्क्वाड ने सरकारी बसों विचों 20 लीटर डीजल चोरी करने वाले ड्राइवर सने पैसे लैके सवारियों नूं टिकटां ना देने वाले एक कंडक्टर नूं काबू किया गया। इस तरह गैर निर्धारित रूटां ते चलदियां 5 बसां ते सवारियों तो बिना बसा चलाउण संबंधी रिपोर्ट की गई है। सो ये सन अज दीआं मुख खबरां। उम्मीद है कि तुसी वीडियो नूं लाइक शेयर चैनल नूं सबसक्राइब कर लिया होगा। मिलदे आं खबरां ते अगले ताज़ा बुलेटिन दे नाल। तद तक दिली मेहरबानी, धन्यवाद जी।